और स्वभाव से सेपरेशन उनका एक स्वभाव है, तो ये बात उठती रही, ये कोई नई बात नहीं है और हर समय उनकी उठती रही। हुआ ये कि 1905 का जो मूवमेंट भारत में हुआ, वहाँ से इसकी नींव रखनी शुरू करी, क्योंकि बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ा। बंगाल विभाजन को वापस लेने के बाद अंग्रेज़ों ने तय किया कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जब तक आमने सामने खड़े नहीं होंगे, यहाँ पर हमारा शासन कंटिन्यू नहीं चल सकता। इसलिए 1906 में आगा खां को बुलाया उन्होंने ढाका से। ये जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये आज का पाकिस्तान नहीं है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी आज का बांग्लादेश, इधर तो सब हिंदू थे। तो वहाँ से आगा खां को बुलाया और आगा खां को बुलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। लॉर्ड मॉरले ने स्टेटमेंट भी दिया, उसने कहा कि आज मैं जो बो रहा हूँ उसको आने वाला भारत काटेगा, और मुसलमान मुस्लिम लीग लेकर अलग चल दिए। इन्हीं बेसेंट को समझ में आ गया, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कोशिश ही हुई कि लीग और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, लीग कांग्रेस एक साथ बिठाने की कोशिश की। उन्होंने एक शर्त रख दी और वो शर्त ये थी कि हम आपके साथ रहेंगे अगर खलीफा का खिलाफत आंदोलन छेड़ दो। मुसलमान तब साथ रहेगा कांग्रेस के मूवमेंट में जब खिलाफत आंदोलन हम छेड़ देंगे, नहीं तो मुसलमान को भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो शासन कर रहा वो भी किताबिया है, तो हिंदू से तो किताबिया ज्यादा अच्छा है। इसलिए कुछ कुछ तो निकल कर आते रहे जिनको लगता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान ने फ्रीडम मूवमेंट में सीधा भाग लिया हो। और हमने खिलाफत छेड़ दिया, खिलाफत चल रहा था, मुसलमान हमारे साथ था। 1925 में भारत में कोडिफिकेशन तो होना शुरू ही हो गया था उस समय, तो 1925 में हमने दो कानून बनाए, एक तो इंडियन मैरिज एक्ट, क्या हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं, इंडियन मैरिज एक्ट, दूसरा इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट, ये दोनों, या इंडियन सक्सेशन एक्ट उसको कह लीजिए, ये दोनों 1925 में हो गए, यानी कि भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड से बन गया। भारत में एक यूनिक कानून 1925 में था और वो ये था कि भारत में सबके ऊपर मैरिज और सक्सेशन को लेकर एक ही कानून है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अब अगर 1925 में ये कानून बन गए थे, आज भी जिंदा है वो, ऐसा नहीं है वो कानून मर गए हो, आज भी वो जिंदा है। आज वो तब लगते हैं जब एक हिंदू और मुसलमान शादी करता है, तब लगता है वो। आज वो तब लगते हैं जब एक हिंदू और मुसलमान के बच्चे सक्सेशन करते हैं, तब लगता है वो। तो वो कानून 1925 वाला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो 1925 का कानून आज भी जीवित है। लेकिन इधर बड़ी तेजी से मुस्लिम लीग ने अपना एक्सपेंशन किया, यहां तक कि जिना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग में जिना कभी नहीं थे, मुस्लिम लीग का जिना सदैव विरोध करते थे, लेकिन जो पॉलिसीज जिस तरह से चली, खास तौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आने को थी, तब बड़ी तेजी से भारत में गतिविधि चली और मुस्लिम लीग की तरफ जिन्ना आकर्षित हुए। नहीं तो जिन्ना जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ हुआ करते थे, जो स्वराज पार्टी बनी थी 1924 में, उस स्वराज पार्टी में जिन्ना हुआ करते थे, उससे चुनाव लड़े थे, बाद में वो मुस्लिम लीग में अपने चले गए और मुस्लिम लीग में उन्होंने अपना फार्मूला छेड़ना शुरू कर दिया। अब मुसलमानों को ताकत कैसे दी जाए, 1906 में पहली ताकत दी थी मुस्लिम लीग बनाकर, दूसरी ताकत कैसे दी जाए ये अंग्रेज ने सोचा, तो 1937 में उसने पहला विभाजनकारी कानून बनाया और 1937 में शरीयत एक्ट भारत में लागू हो गया। 1937 का उसको कहते हैं शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, और मजे की बात यह है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में कानून कितने हैं, 4-5 धाराएं हैं, और उस धारा में कहता क्या है, वो सिर्फ इतना कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर शरीयत लागू होगी, बस। कितनी लागू होगी, कैसे लागू होगी, विवाह कैसे होंगे, सक्सेशन का कुछ नहीं बोलता, कहता शरीयत लागू होगी।
अब शर्त लागू होगी, मतलब जो इंडियन मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इन दो कानूनों से हटकर अब हम ये जनरल वे में नहीं चलेंगे, मुसलमान जनरल वे में नहीं चलेगा, मुसलमान शरीयत से अगर लागू होगा तो मुसलमान का सेपरेशन आसानी से हो सकता है। और वो ललाय थे इस बात के लिए, क्योंकि वो जब 1919 का जो खिलाफत मूवमेंट हमने शुरू किया उसी में कह रहा खिलाफत हम तभी करेंगे, हम तभी स्वतंत्रता में भाग लेंगे जब खिलाफत में मेरा साथ दोगे, तो गांधी जी उसको लेकर चल दिए थे खिलाफत। ठीक, इसलिए 1937 में शरीयत एक्ट लागू हुआ, वहां से मुसलमानों को लगने लगा कि अब हम अलग हो गए हैं, हमारा कुछ सेपरेट फॉर्मूला है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला था। तो जो बड़ी रहस्यमय बात है वो यह है कि 1941 में कमीशन बनाया उस समय गवर्नर जनरल ने, बी एन राव कमीशन। बी एन राव का नाम हमने सबने खूब सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शिल्पी वही कहे जाते हैं। बी एन राव कमीशन बना और बी एन राव कमीशन को यह कहा गया कि कैसे हिंदुओं के लिए अलग से कानून बना सकते हो। हिंदुओं के लिए कानून बनाने के लिए पहले हिंदू मैरिज एक्ट पर उन्होंने काम कर लिया, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट पर काम हुआ, फिर उनको कहा गया एडॉप्शन मेंटेनेंस पर काम कर लो, फिर उनको कहा गया माइनॉरिटी गार्जियनशिप पर काम कर लो। अब हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए तो कानून बनाने के लिए बी एन राव कमीशन बना, लेकिन मुसलमानों के लिए शरीयत सीधा लगा। अब मुसलमानों के लिए भी सक्सेशन, मुस्लिम सक्सेशन पास कर लेते, लेकिन उनको कोडिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि एज ए होल मुसलमान को फील हो और मुल्ला मौलवी सामने आ जाए, क्योंकि काजी मुल्ला मौलवी सामने आ जाएगा तुरंत, जैसे आप शरीयत कह दोगे तो सब डोमेन उनके हाथ में चला जाएगा। और अब क्या है, मुसलमानों को साथ रखने के लिए केवल उनको मुल्ला मौलवी साथ रखने, बाकी मुसलमान साथ नहीं रखना। मुल्ला मौलवी अगर साथ आ गए अंग्रेजों के तो आप समझ लीजिए कि मुसलमान अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया, और अगर कोडिफाइड कर दोगे तो पूरे मुसलमानों के लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको कोडिफाइड नहीं किया, लेकिन हमको कोडिफाइड किया 41 में। 44 होते होते विश्व के बड़े इंपीरियलिज्म के कंट्रियों ने यह तय कर लिया था कि पूरे विश्व से पूरे विश्व को स्वतंत्र करना है, यह तय हो गया। और स्वतंत्रता सबको मिलनी थी, क्योंकि यूएनओ अगर एग्जिस्टेंस में आएगा तो यूएनओ की कंडीशन यह है कि ऑल कंट्रीज विल बी द सॉवरेन कंट्री, और जब सॉवरेन कंट्री होंगे तो इंपीरियलिज्म खत्म नहीं करोगे तो सॉवरेन कैसे होंगे, तो यूएनओ एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। तो यूएनओ में यह शर्त रखी गई कि सब जो है वो सॉवरेन कंट्री होंगे। इधर मुसलमानों को ये बात, अंग्रेज ही उनका शिल्पीकार है कि उनको मालूम है कि मुसलमान को अलग से पावर देनी है और हिंदू मुसलमान अलग करना, तो हो सकता है कि इस कानून के बावजूद, इस कानून मतलब जो यूएनओ पास कर रहा उसके बावजूद हम यहां पैरामाउंट पावर की तरह बैठे रहे, स्वतंत्र तो करना पड़ेगा लेकिन पैरामाउंट पावर हम बन सकते हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि यूएनओ ने जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको सक्सीड किया था। ये थोड़ी गहरी बात है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होती जिस कंट्री में सिविल वॉर चल रहा होता है उस कंट्री में ट्रस्टीशिप काउंसिल उस पर कब्जा कर लेती है यूएनओ के तरफ से, और लीग ऑफ नेशन जो पहले बना हुआ था उसमें भी 1919 में ट्रस्टीशिप काउंसिल रखी गई थी। उसी ट्रस्टीशिप काउंसिल को आपको याद होगा कि अफ्रीका में वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका जिसको आप नाइजीरिया कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका के कब्जे में था बहुत लंबे समय तक रहा, 1950-52-56 तक रहा। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उनकी थी और इनको भी ट्रस्टीशिप काउंसिल बनानी थी, इन्होंने बना ली थी। इसीलिए अंग्रेज को मालूम था जब तक सिविल वॉर भारत में नहीं होगा सही से तब तक हम यहां ट्रस्टीशिप काउंसिल के रूप में ही बैठ सकते हैं, तो हम बैठ सकते हैं। इसलिए 41 में दोनों का युद्ध लड़वाना जरूरी, तो युद्ध कैसे लड़वाया जाए, दो ही फैक्टर है भारत में, हिंदू और मुसलमान। मुसलमानों को शरीयत मिल चुकी है 41 में, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी ये कोड बिल ले आओ, तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी हो जाएंगी और ये लड़ते ही रहेंगे जीवन भर। आजादी आपको 47 में मिली, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका दिसंबर 46 में करना शुरू हो गया, तो उससे पहले चुनाव हो गए, उससे पहले चुना गया, लोग कलेक्ट किए गए, सेलेक्ट किए, जो भी हुआ, लेकिन एक प्रक्रिया चली होगी ना पूरे देश से नाम नॉमिनेट करने की भी। तो 46 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, इसी समय बी एन राव उधर चले गए और बी एन राव ने वो हिंदू कोड बिल प्रपोज कर दिया। अच्छी बात यह थी कि डॉक्टर अम्बेडकर आ चुके थे,
और डॉक्टर अंबेडकर के आने के बाद, डॉक्टर अंबेडकर आए हैं संविधान में सही एक्टिव रोल में अक्टूबर 1947 में, 29 अक्टूबर की बात है, 29 अक्टूबर 1947 में आए हैं। उससे पहले बी एन रॉय देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, बी एन रॉय ने पहला ड्राफ्ट बी एन रॉय ने बनाया था और वही ड्राफ्ट बनाकर रखा था। तो ये महसूस हुआ पार्लियामेंट को कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, एक प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए जो कमेटी इसकी ड्राफ्टिंग करेगी। ऐसे तो तमाम तरह की कमेटियां हैं जो सुझाव देती हैं, दे देती हैं, हमारा हम लेते हैं और ये बी एन राव बैठे हैं, ये उनको मिला मिलू कर बता देते हैं। तो हमको एक प्रॉपर कमेटी चाहिए, संविधान लगभग सबके प्रपोजल्स आ चुके थे, तो प्रॉपर कमेटी के लिए तय हो गया 29 अक्टूबर को कि भाई हम एक संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगे, 7 लोगों के नाम चयन हो गए, 7 लोगों ने अपनी 29 को शाम को बैठक कर ली और उन 7ों ने मिलकर बी आर अम्बेडकर को अपना चेयरमैन चुन लिया। पार्लियामेंट ने नहीं चुना, मतलब हाउस ने नहीं चुना, हाउस ने 7 नाम प्रपोज कर दिए, उन 7ों ने बैठकर अपना एक प्रेसिडेंट तो हो गई होगा कोई ना, तो प्रेसिडेंट चुन लिया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुन लिया। नो डाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इसलिए जब हिंदू कोड बिल आया तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हिंदू कोड बिल का मतलब हम संविधान बना रहे हैं, क्या मतलब है हिंदू कोड बिल का, अगर हम संविधान बना रहे तो आप अकॉर्डिंग टू द संविधान कानून बनेंगे ना, न कि हिंदू कोड बिल बनेगा। फिर क्या था, ये जब प्रकरण चल रहा था डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया ये गड़बड़ करेंगे जब मानेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रपोज कर दिया। बहुत गंभीरता से सुनिएगा, फंडामेंटल राइट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रपोज कर दिया और विरोध होना स्वाभाविक था क्योंकि पाकिस्तान बनने के बावजूद हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे रहे यह तय किया गया था, यह तय किया गया था कि भूमि का एक टुकड़ा हमको दे दो, उसके अतिरिक्त हिंदुस्तान पर कब्जा मेरा बना रहे। इसीलिए मुस्लिम लीग के 30 सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी भी मौजूद थे। खूब भैसुक एम मुंशी ने सपोर्ट किया, मतलब राष्ट्रवादियों ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा भाई भारत अब एक हो रहा है और पाकिस्तान बन ही चुका है तो भारत में एक कानून होना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति व्यवस्था का हो उसके ऊपर एक प्रकार के कानून लागू होंगे, ये उसका फंडामेंटल राइट होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में दो चीजें कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अब जब दो लोगों के अधिकार अलग अलग होंगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां है, दो महिलाओं को इक्वल प्रोटेक्शन कहां है, एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला, तो इक्वल प्रोटेक्शन तो नहीं है ना। इसलिए फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 30 उस समय का आर्टिकल 35 है, ज़ेड-एस लाडी जो बाद में पाकिस्तान चले गए और वो क्या पाकिस्तान चले गए, ज्यादातर मुस्लिम सदस्य जो यहाँ पर रुके थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनमें से आधे पाकिस्तान चले गए, यहाँ गड़बड़ करवा के धीरे धीरे निकलते चले गए, अपना अपना रोल प्ले करते चले गए और पाकिस्तान चले गए, क्योंकि वो रुके ही इसलिए थे कि हिंदुस्तान के संविधान को सेकुलर बनाना है और उसको इतना डिस्टर्बिंग बना दो कि यहाँ पर भविष्य में हमारे लोग जो रुकेंगे वो सुरक्षित रहेंगे और उन उनके आधार पर फिर से ये वो पोजीशन बन जाए जो प्री 47 है, जैसे आज प्री 47 पोजीशन बन की है और ये सुनिश्चित किया गया था। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रपोज किया था उसका विरोध हुआ और खूब हंगामा हुआ। हंगामे के बाद ये तय हुआ कि इसको पोस्टपोन कर दोगे, आगे फिर डिस्कशन शुरू हुआ 6 महीने बाद। जब दोबारा डिस्कशन शुरू हुआ तो यह कहा गया कि ठीक है डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कह रहे हैं अभी भाई, लेकिन ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है, अभी संविधान पारित करना जरूरी है, एसेंशियल है, बहुत जल्दी है, इसलिए एक काम करो, इस मुद्दे की वजह से ये संविधान पूरा क्यों रोका जाए, इसलिए संविधान पूरा जाने दो और इस मुद्दे को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल दो, जो फंडामेंटल राइट एक महिला का होना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट एक सक्सेसर का होना चाहिए, मैरिज के फंडामेंटल राइट होने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट उठाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल दिया। फंडामेंटल राइट अगर वो होता तो बाइंडिंग हो जाता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में चला गया, आर्टिकल 44 बना दिया, यानी कि वो नॉन बाइंडिंग हो गया और सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया।
कि सरकार चाहेगी सरकार भाई भविष्य में। अच्छा, उन लोगों को भी मालूम रहा होगा कि इनमें से आधे पाकिस्तान चले जाएंगे, तो फिर लगा होगा कि सब हिंदू रह जाएंगे यहाँ, और हिंदू रह जाएंगे तब कर लेंगे, तो आर्टिकल 44 डाल दिया। ऐसे आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि फंडामेंटल राइट था अब। लेकिन अभी भी डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड भी स्वीकार नहीं किया, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना ही है तो हिंदू कोड बिल का मतलब क्या होता है और भी क्यों होता है? सही बात है ना, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना तो हिंदू कोड बिल अभी क्यों बनाना? कुछ दिन बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए गए। डॉक्टर अम्बेडकर जब तक लॉ मिनिस्टर रहे तब तक हिंदू कोड बिल नहीं आया, और जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर कोड बिल से कॉन्स्टिट्यूशन से हटे वैसे ही हिंदू कोड बिल आ गया। शरीयत का कोडिफिकेशन, क्योंकि शरीयत का कोडिफिकेशन अगर हो जाएगा तो फिर हर चीज को फंडामेंटल राइट के दायरे में आप क्या करने लगोगे? जैसे आप कहोगे भाई पत्नी को, ये पति को, ये चार पत्नियों का अधिकार होगा, तो फिर वो कोड होगा, कोड का मतलब है आर्टिकल 13 के दायरे में आ जाएगा लॉ, और आर्टिकल 13 के दायरे में आ गया तो तुरंत वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा, कहेगा दो महिलाओं के बीच में वो कहां। इसलिए शरीयत का कभी कोडिफिकेशन नहीं हुआ, इसको पेंडोरम छोड़ दो, उनके ऊपर वो अपना करते रहेंगे, लड़ते मिटते रहेंगे, जो उनको करना है वो अपना करते रहेंगे। ये इसका बैकग्राउंड है जहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड 1925 वाला तोड़ा गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं, लेकिन हुआ क्या, कोर्ट में हमारे यहां इस तरह के मुद्दे आते रहे, तो छोटे छोटे केसेस में आता रहा। बाद में एक बड़ा केस आया सरला मुद्दल का, सरला मुद्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी। उसने कहा कि नहीं साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसलिए लागू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस समय व्यवस्था नहीं थी आपके पास। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब था कि आज हमारे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसको लागू कर लें, जैसे जैसे परिस्थिति आएगी वैसे वैसे लागू करोगे। तो डायरेक्शन दिया गया पॉलिटिकल अथॉरिटी को कि आप ये करोगे भविष्य में, आज हम ये करे थे नहीं, भविष्य में आप करोगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि आज मुझे बताओ पाकिस्तान में लागू हो चुका है, परिस्थिति क्या है जिसमें आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पा रहे। डायरेक्शन दे दिया केंद्र सरकार को, सरकार तो किसकी बैठी थी। फिर लिली थॉमस का एक बड़ा केस है, फिर 5 जजों की बेंच बैठी, फिर उसने रिमाइंडर भेजा क्यों नहीं करते। फिर डेनी लतीफी का केस आया शाहवानों के बाद, तो शाहवानों में भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी, उसने भी कहा। फिर वो चैलेंज, फिर इन्होंने वो लागू कर दिया मुस्लिम वीमेंस राइट एक्ट, मैरिज वीमेंस राइट एक्ट 1984, फिर वो चैलेंज हुआ, तो डेनी लतीफी का केस आया, फिर 5 जजों की बेंच बैठी, फिर उसने सरकार को कहा। डेनी लतीफी के केस की खास बात ये थी, वो 2002 का जजमेंट था, वाजपेयी सरकार बैठी थी, वाजपेयी ने सोचना शुरू किया था सरकार चली गई, तो वो 2002 का लास्ट का जजमेंट है। सरकार 2004 में बदली, चुनाव होना था 2002 में, सरकार जो है चुनाव मोड में आ चुकी थी, चुनाव होना 2003 में ठीक ठाक। फिर वो ये हुआ कि नहीं 2004 में तो हम आ ही रहे हैं तो कर लेंगे, आए नहीं। फिर ये आए, इन्होंने आते ही कमीशन, लॉ कमीशन बिठा दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कि भाई इसके अप एंड डाउन देखो। वो अप एंड डाउन उन्होंने अपनी लोगों से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वोशन लिए और ये वो सब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाया, उनका भी होना चाहिए। सरकार ने ये तय किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम इकट्ठा लागू कर देंगे तो शायद देश में बवाल होगा, एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करना शुरू कर दिया, स्टेप बाय स्टेप में ये ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, उसी ये उन्हीं स्टेपों का मामला है, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। दूसरी स्टेप हमने कहा 21 वर्ष की आयु कर देते हैं। अच्छा, इसी का ये सब उसी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज उठाते चलेंगे डालते चलेंगे, बाद में कुछ बचेगा तो इकट्ठा कर लेंगे। तब तक दिमाग में गोवा आ गया कि भाई गोवा में कैसे हो सकता है, क्योंकि इश्यू तो सेंट्रल का है, तो जब गोवा में हो सकता है तो बाकी जगह भी हो सकता है। तो उत्तराखंड से इश्यू उठा दिया, उत्तराखंड से उठाया तो बाकी सरकारों में हंगामा हो गया देश। तो अमित शाह ने अभी 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, और उन्होंने कहा भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हम चाहेंगे कि इस देश में सभी स्टेटों में लागू हो। अब बीजेपी शासित प्रदेशों को तो डायरेक्शन मिल गया इतना स्टेटमेंट, तो उन्होंने सबने धड़ाधड़ कहना शुरू कर दिया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। सवाल ये आता है कि इशू तो सेंट्रल का है, कानून सेंट्रल का है, हिंदू कोड बिल सेंट्रल का है, आप
कैसे कर देंगे। तो प्रॉपर्टी जो है, जहां तक हम समझ पाए अभी तक, प्रॉपर्टी स्टेट सब्जेक्ट है और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो सक्सेशन लॉ बना सकते हैं, जो सक्सेशन एक्ट है वो हम लागू कर देंगे और कहेंगे कि हम इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू करते हैं, हमारे यहाँ और कुछ नहीं होगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो पहले से रखा हुआ है वो पूरा का पूरा अपने लागू कर देते हैं। ठीक, अब दूसरे मेंटेनेंस के और इसके उसके इशू बनते हैं, वो इशू भी स्टेट उठा सकता है, लेकिन सारे, हमें जहां तक समझ में आ रहा है, सारे इशू स्टेट नहीं उठा सकता। लेकिन भैया जितने उठा ले उतना अच्छा है, कम से कम आधा तो अधिक आएगा।